हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 4:30 बज रहा है लेकिन कितना धूप है देख सकते हो। अभी तो 8:30 बजे ही धूप जा रही है, तो कितना ज़्यादा धूप है ये दिखाना चाहती हूँ आप सबको। ये दिख रहे हो, ये छोटा सा एक गार्डन है जो कि ना एक ट्यूलिप गार्डन है। यहाँ पे मेरे घर के सामने ही है ये। अभी तो कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, तो भी मुझे इधर जाके फ़ोटो खींचना है। लेकिन अभी बाहर नहीं जा पा रही हूँ। सारे अब देख सकते हो, बहुत सारे लोग अभी इधर घूम फिर रहा है। अब जो चल रहा है वो लॉकडाउन प्रॉपर नहीं है, ये इंटेलिजेंट लॉकडाउन बोल रहे हैं सब गवर्नमेंट, कि आपने आपको नज़र करके चलना है, बाहर जाना है या नहीं जाना है। तो ये है, ये छोटा सा एक ट्यूलिप गार्डन है। बहुत अच्छा लग रहा है दूर से ही, तो देखते हैं आप कब जा पाते हैं इधर। 4:30 बज गया है, लंच बहुत पहले हो गया था, तो अभी सोच रही हूँ पानी पूरी बनाने जाऊँगी। चलो फिर चलते हैं, पानी पूरी बना लेते हैं आज शाम को, बहुत दिन तक नहीं खाया यार। हाँ, यहाँ पे मैंने पानी पूरी का पैकेट लाई थी, वही मैंने फ्राई कर लिया है। तो क्योंकि मुझे नॉर्मल वेज में जैसे पानी पूरी बनता है वो आटा गूंथ के, ऐसा वाला नहीं आता है बनाना, लेकिन कोशिश करूँगी कभी ये वाला भी वो वाला भी। लेकिन अभी मुझे ये रेडीमेड मिल गया था तो मैं यही लेके आई थी, तो ऐसे फ्राई कर लो बस, हो गया। मतलब इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं होता काम, इसमें टेस्ट भी आ जाता है मुँह में, तो चलो सही है ये वाला भी। तो इसको फ्राई कर लिया था, फिर मैंने इधर वो टमाटर को थोड़ा सा गर्म पानी में उसको भिगो के रख दिया था। आलू के साथ ही हम लोग पानी पूरी खाते हैं बंगालीज़, इसको बंगाली लोग, हम लोग इसको फुचका बोलते हैं। इसमें गरम नहीं, ये भुनी हुई जो गरम मसाले होता है धनिया जीरा, और इसको थोड़ा सा गरम करके फिर उसको उसको पाउडर बना लेते हैं। इसमें नमक, मिर्ची, धनिया पत्ता, ऑनियंस ये सब डाल दिए थे। और ये जो पानी है, ये टमरिंड वाला पानी, इमली वाला पानी, इसमें भी वही सेम मसाला डाले थे, नमक, वो वाला भुनी हुई मसाला, थोड़ा सा शुगर भी डाल दिया था। और टेस्ट वाइज आप इसमें स्पाइसेस भी डाल सकते हो, जैसे लाल मिर्च और ग्रीन मिर्च, कुछ भी। तो ये टोटली आप कितना खाते हो वैसे ही, बस हम लोगों को ज़्यादा पसंद था तो हम लोगों ने ज़्यादा ही डाल लिए थोड़ा सा। हाँ, फिर हम लोगों ने ये बहुत इन्जॉय किया है, सब ने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि बहुत दिन बाद मिले हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स के बाद गोलगप्पे मिले थे, तो हम लोग पूरा टूट पड़े थे गोलगप्पे के ऊपर। फिर ये इवनिंग स्नैक्स सही था, बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो जैसे बाज़ार में मिलते हैं ऐसे वाला गोलगप्पे वाला टेस्ट तो नहीं लगा, लेकिन हाँ काम चलाने वाला जैसा तो है, नो डाउट। ज़्यादा ही अच्छा लगा था खाने में। गोलगप्पे सबको पसंद है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि गोलगप्पा पसंद नहीं है। फिर रात को डिनर के लिए आ गए थे बनाने के लिए। इधर मैंने पनीर ले लिया था, ऑनियन बड़े बड़े काट के रखे थे, ऑनियन ये बाद में देना है। ये पनीर 2 प्याज़ा बनाऊँगी कैश्यू नट के साथ, वो थोड़ा सा मिर्ची डाल के मैंने पेस्ट बना लिया था, और ऑयल में थोड़ा बटर डाल के इसको अभी पनीर को मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा बहुत। कच्चे वाला पनीर मुझे पसंद नहीं है खाने में, तो मुझे पनीर थोड़ा सा तले हुए मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है खाना, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा तली थी। हर कोई इसको तलते नहीं है, कच्चे ही ऐसे डालते हैं सब्ज़ी में, लेकिन मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। अभी मैंने इधर कटे हुए अनियन को, छोटे छोटे कटे हुए जो अनियन थे उसको मैंने फ्राई कर लिया, उसके बाद वही वाला पेस्ट कैश्यू नट का पेस्ट डाल दिया था, उसको थोड़ा सा भून लूँगी। भून लेने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और मैंने इधर ले लिया था शान का चिकन बटर मसाला, तो बस उसको डाल के थोड़ा अच्छे से इसको भून लेना है। फिर उसको थोड़ा सा पानी में भी ला दिया था मैंने, ताकि अच्छी तरह से मसाले पर भुन जाए। और फिर इधर मैंने ना 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाले थे, लेकिन वो पता नहीं फुटेज कहीं पे मिस हो गया है। थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें बड़े टुकड़े में कटे हुए जो रखे थे ऑनियन और कैप्सिकम वगैरह, तो वो डाल दिया था।
फिर उसको थोड़ा सा पकने के बाद हमने ये पनीर डाल के 5 मिनट ढक के इसको पकाया, फिर हो गया, मतलब बस मेरा पनीर दो प्याज़ा बन गया था बस। फिर ये इसमें मैंने थोड़ा सा कुकरम, मतलब ये होता है क्रीम, कुकिंग क्रीम, तो भी डाल दिया था थोड़ा बहुत, बस थोड़ा सा हिलाया और हो गया। इसके बाद मैंने रोटी बना लिया था और खाना बना भी खा लिए थे, लेकिन उसका कुछ और व्लॉग शूट नहीं कर पाई। बस इतना ही रहेगा मेरा आज का व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देना और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे एट होम, घर में ही सब इन्जॉय करें। बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर।